बाद में पहला एडजस्टमेंट है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं SP लिख रहा हूँ इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम ना दो जगह हो सकता है, या तो वो इशू के ऊपर हो सकता है, इशू ऑफ चाहे शेयर पे हो, चाहे डिबेंचर पे हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे हो। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें, हो सकता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे, या हो सकता है हमारा किस पे, डिबेंचर पे। दो जगह हो सकता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम ना। ट्रीटमेंट क्या क्या है? अगर इश्यू पे हुआ तो ऐड हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है ना। ऐड हो जाएगा हमारा किस में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। देखते हैं एग्जांपल। मैंने कहा फ्रेश इशू $2,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट 10 ईच एट 10% प्रीमियम। यानी आपको मैंने बता दिया कि मैंने फ्रेश इशू करा है 2000 इक्विटी शेयर और ₹10 का एक है, और किस पे किया है हमने, प्रीमियम पे किया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, आपको पता है 2000 और मल्टीप्लाई 10 20,000, तो इक्विटी शेयर का पैसा, कैपिटल का पैसा है 20,000 जो हमें मिला है, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है इस पे 10% यानी ₹2,000। अब जब कैश, अब ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते टाइम पे आपको दो तरीके से कर सकते हो। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो आप या तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 लिखिए, 20,000 लिखिए, और सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड हो जाएगा कितना, 2000। एक ऑप्शन तो आपके पास ये अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि इक्विटी शेयर कैपिटल और पूरे ₹22,000 लिख दो, चाहे डिबेंचर पे हो तब भी ऐसे ही करना है, प्रेफरेंस शेयर पे हो तब भी ऐसे ही करना है। समझ में आई बात आपको? कई बार आपको, पहले यहां तक क्लियर है, किसी को डाउट है यहां तक बताइए, यहां तक किसी को डाउट है जो बच्चे लाइव क्लास में बता देना, क्योंकि मैं रेज करके फिर आगे दूसरा लिखता जाऊंगा। क्या किसी को डाउट है इस वाले पे? नहीं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, एक तो ये हो गया, यहां लिख देते हैं, यहां देखते हैं। मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट ये दे दिया एग्जामिनर ने, है ना, और बैलेंस शीट में एग्जामिनर ने दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 से 2,00,000, ये 2010 है और ये 2011 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एग्जामिनर ने 1,00,000 से 2,00,000 दिया तो इसका मतलब क्या है, सिंपल, आपने ₹1,00,000 का इक्विटी शेयर इशू किया है। इसका मतलब है आपने ₹1,00,000 का इक्विटी शेयर इशू किया है। नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया फ्रेश इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड एट 10% प्रीमियम। तो आप बताइए मुझे यहाँ प्रीमियम अमाउंट कितना होगा, प्रीमियम अमाउंट बताइए क्या होगा।
तो हमें सबसे पहले तो फ्रेश इशू कितना है वो पता करना पड़ेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हमारा फ्रेश इशू 1,00,000 रुपये होगा और प्रीमियम कितना होगा हमारा 10,000। तो हम एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैसे शो कर सकते हैं, इक्विटी शेयर 1,00,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि हम सीधा सीधा इक्विटी शेयर 1,10,000 दिखा दें। क्या इसका ऑपरेटिंग में भी काम आ गया, ऑपरेटिंग में कोई एक काम नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एक अलग हेड होता है, पीएनएल में जाता ही नहीं, तो ऑपरेटिंग में कोई काम नहीं, बताइए कोई दिक्कत। अब बात आती है रिडम्पशन पे, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के केस में क्या होगा, आपका जब कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम पर रिडम्पशन होगा तो हमेशा लेस हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, इसकी डबल एंट्री नहीं है। पहले ये ऑपरेटिंग का भी पार्ट बन जाता था पहले, लेकिन जब से चेंज हुआ ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, जब से ये सिचुएशन है, पहले ऑपरेटिंग का पार्ट क्यों बनता था, सुनना आप। मान लेते हैं कि हमने 2010 में कोई डिबेंचर इशू किया और मैंने बोला कि भाई 10,000 रुपये का डिबेंचर है और इस पर प्रीमियम है हमारा कितने का, 500 रुपये, और ये प्रीमियम मैं रिडम्पशन पे दूंगा, ये प्रीमियम कब दूंगा मैं रिडम्पशन पे। तो हमें लॉ क्या कहता है, इसको क्या करिए, आप राइट ऑफ करिए, यही कहता है ना कि अगर आपने प्रीमियम देना है, यानी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, याद आ रहा है एंट्री, तो वहां क्या कहते हैं इसको, क्या करिए आप, राइट ऑफ। तो जब ये राइट ऑफ 2010 में ही हो चुका होगा, है कि नहीं, और हम कैश फ्लो बना रहे हैं 2015 का, तो आप मुझे बताइए 2015 के पीएनएल में क्या हमारा ये सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, नहीं होगा, किस वाले में होगा, अगर 2010 का बनाया जा रहा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, तब तो सिर्फ और सिर्फ पीएनएल में ऐड होगा, क्योंकि 2010 में मैंने इशू किया है ऑन द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, तो रिडम्पशन तो नहीं हो रहा ना, तो रिडम्पशन कब हो रहा है, 2015 में। अगर आप 2015 में बना रहे तो माइनस होगा, कहां पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्योंकि पेमेंट तो हमारा तब होगा। लेकिन अगर 10 की बात करें, 10 में बना रहे हम, पेमेंट 5 साल बाद करेंगे, तो डिबेंचर तो रिडीम हुआ नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम को उसी साल ऐड कर दिया जाता है, किस में, पी एंड एल में। तो आपको बस बहुत ही सिंपल ध्यान रखना है, क्या सिंपल ध्यान रखना है, कि जब कभी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस या डिबेंचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। और ये भी कुछ इस तरीके से गिवन हो सकता है, जैसे एग्जांपल, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे होगे तो ज्यादातर क्वेश्चन में देखो सबसे फेवरेट जो होता है एग्जामिनर का, एक तो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आपने देखा होगा कि देता है वो, एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के साथ साथ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी देखने को मिलेगा। इसके बाद अभी और भी करेंगे अदर देन कैश वगैरह का। मान लेते हैं 9% डिबेंचर 1,00,000 रुपये 2010 में और 2011 में हमारा हो गया 50,000, तो इसका मतलब क्या समझे हम, कि रिडीम हुआ 50,000 का। मैंने बोला ये 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, ठीक है। अगर मैंने बोला 10% प्रीमियम पे रिडीम हुआ है, इसका मतलब 50,000 के बदले हमने कितना पेमेंट किया होगा, 50,000 पे 10% और जोड़ के, यानी 55,000 रुपये। तो हमें क्या करना है, सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाना है और 55,000 रुपये माइनस कर देना है, समझे बात आप। आप अलग अलग भी कर सकते हो, 50 और 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, आप सीधा क्या कर दोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके 55,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का ये एडजस्टमेंट रहेगा, मैंने आपके सामने करा है, किसी को डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अदर देन कैश, एडजस्टमेंट नंबर 8, या फिर हम करते हैं प्रोविजन 4, डाउटफुल डेप्ट, ये भी एडजस्टमेंट आ जाता है एग्जाम में।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल। मैं सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा करने को, जितने उसके अंदर पॉइंट्स है ना उस सभी के मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर ये दो तरीके से हो सकता है। दो तरीके से कैसे? या हो सकता है ओनली इन बैलेंस शीट। तो जब बैलेंस शीट में आपका होगा सिर्फ और सिर्फ, तो इसको ट्रीट करना है आपको एज करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी जैसा ट्रीट अगर कर लेते हो इसको, तो आपको अच्छे से पता है करंट लाइबिलिटी कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसका पार्ट होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहाँ? कैश वर्किंग कैपिटल वाला जो होता है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नीचे। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर या तो ये इंक्रीज हो रहा होगा, तो इंक्रीज हो रहा है तो लाइबिलिटी इंक्रीज होना बैड है, तो ये क्या हो जाता है हमारा? प्लस हो जाता है डिफरेंस से। या हो रहा होगा डिक्रीज, इन केस डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। कहाँ होगा ये सारा काम? होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये दोनों काम कहाँ होगा हमारा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। पहले तो ये वाला पार्ट देखिए, अगर एडजस्टमेंट देता है तो एडजस्टमेंट में क्या करेंगे? जब बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों गिवन हो, व्हेन इन बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट जब दोनों जगह गिवन हो, तो हम एक अकाउंट बना लेंगे। किसका अकाउंट बना लेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। सेम वैसे ही अकाउंट बनाएंगे जैसे कि हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाया था, क्योंकि ये भी तो लाइबिलिटी है। तो इसके अंदर हमें क्या पुट कर लेना है? बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, है ना। आपका देखो ट्वेल्थ वाला कैश फ्लो नहीं है ये, ट्वेल्थ के टाइम पे ये सब एडजस्टमेंट नहीं हुआ करता था, सिंपल सिंपल था जो हमने पहले किया है। अब इसके आगे जो भी एडजस्टमेंट मैं बता रहा हूँ ये थोड़े से एडवांस एडजस्टमेंट है। अब बाय साइड में लाइबिलिटी है क्योंकि ये, तो बाय क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी जो भी वट एवर अमाउंट हो, और टू साइड में क्या आ जाएगा? बैलेंस सीडी जो भी वट एवर अमाउंट हो, ठीक है ना। अब करना क्या है हमें इसमें? सर अगर बैड डेट्स हुआ तो यहां बैड, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का घटने का रीजन पता है क्या है? बैड डेट्स हो जाना। मैंने मान लो 1,00,000 रुपए का प्रोविजन किया और मेरा 80,000 रुपए का बैड डेट्स हो गया, तो मेरा प्रोविजन अभी भी बचा हुआ है कितने का? 20,000 रुपए का। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स घटता कब है? जब हमारा क्या हो जाता है? बैड डेट्स। और सर ये बैड डेट्स वाली बात ना वो कहां देगा? एडजस्टमेंट में देगा। ये वाली बात कहां देगा आपको? एडजस्टमेंट में। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकलेगा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जितना बनाना है हमें। बैलेंसिंग फिगर निकलेगा हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, जितना भी बैड डेट्स हमारा बनेगा। पहले देखिए कोई दिक्कत, एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। इसका एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल चलिए ये आपके सामने एक बना लिया हमने बैलेंस शीट, ये हमारा बैलेंस शीट है, और यहां पे क्या लिख दिया हमने? यहां पे लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 40,000 और यहां लिख दिया हमने 60,000, करेक्ट। हमने लिख दिया 40,000 और दूसरी साइड हमने लिख दिया 60,000। ये 2010 है और ये 2011। एग्जाम में ध्यान देना, कई बार डेट ना उल्टा पुल्टा आगे पीछे दे देता है, 11 और 10 दे देता है, तो उसके अंदर सारा गड़बड़ हो जाता है हमारा एंड तक। नीचे मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स रुपीस 20,000 सपोज करो। मैंने बोला ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट्स कितना हुआ? 20,000। तो अब देखो बैलेंस शीट के अंदर भी और एडजस्टमेंट में, अगर सिर्फ बैलेंस शीट में होता तो हम ट्रीट कैसे कर लेते एज अ करंट लाइबिलिटी? आप मुझे बताइए, अगर बैलेंस शीट में होता तो क्या करते हैं हम? 40 से 60 बढ़ गया हमारा प्रोविजन, ऐड कर देते कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, वेरी सिंपल। लेकिन जब एडजस्टमेंट में आ गया तो हमें क्या प्रिपेयर करना है? एक अकाउंट। चलिए मैं यहाँ अकाउंट प्रिपेयर कर लेता हूँ। अकाउंट में क्या आएगा? बाय बैलेंस
बीडी, और बाय बैलेंस बीडी में कितना आएगा 40, और फिर क्या आएगा टू बैलेंस सीडी, सीडी में क्या आएगा आपका 60, और बैड डेट सीधा आ जाएगा, बैड डेट सीधा आ जाएगा, कितने रुपए का बैड डेट सीधा आएगा 20 का। अब हिसाब हिसाब किताब आप लगाओ, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, ये टोटल कितने हो गए 80, और ये टोटल कितने हो गए 40, 40 में से 80 गए तो कितने बचे, 40 बच गए ना, अच्छा नीचे 80 आएगा, हाँ 40 बच गए ना। अब सर ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी तो आपको अच्छे से पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इन दोनों का है, तो अब उठाएंगे इन दोनों का डिफरेंस, और कहां जाएगा, अब ये चला जाएगा उठ के नेट प्रॉफिट में, वर्किंग कैपिटल से पहले, नेट प्रॉफिट में कहां चला जाएगा, वर्किंग कैपिटल से पहले। तो आपका ये क्या होगा, डिफरेंस कैसे लेंगे, हमारा ऐड हो जाएगा, मैंने अभी यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं लिखा, अब मैं लिख रहा हूं ट्रीटमेंट इसका, ऐड इन नेट प्रॉफिट, कैसे ऐड करेंगे, ये वाला करंट ईयर का है और ये बैड डेट्स है, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस माइनस में बैड डेट्स, यानी ऐड कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में। हम हमेशा नेट प्रॉफिट जो लेते हैं आफ्टर वाला लेते हैं, बुक के अंदर कई बार बिफोर वाला पहले बनाते हैं अलग से एडजस्टमेंट करके और फिर लेते हैं, हम आफ्टर वाला लेके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, ऐड इन नेट प्रॉफिट, कैसे, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो अकाउंट से निकल के आया वो, और माइनस क्या कर देंगे हम बैड डेट्स। तो ध्यान से बताइए आपका क्या अमाउंट आएगा, 40,000 माइनस 20,000, इट मीन्स 20,000 रुपीस ऐड हो जाएगा, इट मीन्स क्या ऐड हो जाएगा हमारा 20,000 रुपए। बताइए कोई डाउट यहां तक, दो पार्ट हो सकते हैं प्रोविजन का, बताइए कोई डाउट, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता ही नहीं कभी, अब पहले हुआ करता था, हट गया, न्यू चेंजेस है तो अब नहीं होगा सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी। पहले बताइए यहां तक मैंने दो एडजस्टमेंट किया है, 7 और 8, कोई दिक्कत नहीं, अगले पॉइंट पे चले, चलिए अगला एडजस्टमेंट दिखाते हैं आपको, नेक्स्ट नेक्स्ट अदर देन कैश, चलिए एडजस्टमेंट नंबर 9, अदर देन कैश इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, अदर देन कैश इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सर अदर देन कैश में क्या होता है, आपने डिबेंचर में भी देखा होगा, आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में भी देखा होगा, कई बार हम शेयर्स को कैसे खरीद लेते हैं, शेयर्स को खरीद लेते हैं, शेयर्स को दे देते हैं, इशू कर देते हैं मशीनरी लेके, होता है ना पॉसिबिलिटी, कई बार आप देखोगे क्वेश्चन में। तो अदर देन कैश में दो पार्ट कर देते हैं, मैं काफी डिटेल में लेके चल रहा हूं कि इससे ऊपर पूछेगा ही नहीं। सर दो पार्ट क्या होगा, या तो वो अदर देन कैश में इक्विटी शेयर कैपिटल या डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लिख नहीं रहे वो तो वैसा ही है, हम इशू कर दें, ठीक है, और इशू करने के बाद हम क्या करें, परचेज जो किया हमने वो, आप जब कभी भी इशू करोगे तो कुछ ना कुछ खरीदोगे, तो खरीदोगे तो क्या खरीदोगे, परचेज आपने किया होगा एसेट, और यहां पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी का बिजनेस खरीद लो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी का क्या खरीद लो बिजनेस, तो पार्ट माना जाएगा अदर देन कैश का। आप मुझे बताइएगा, सिंपल सी बात मैं पूछता हूं आपसे, कि मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का इक्विटी खरीदा, और किससे, अगर इक्विटी मैंने खरीदा, मैंने बोला, मैंने कहा 1 लाख रुपए का इक्विटी इशू किया है, तो आप मुझे बताइए जब मैं 1 लाख रुपए का इक्विटी इशू कर रहा हूं और बदले में मैंने 1 लाख रुपए का मशीनरी ले लिया है, तो यहां पे बताइए क्या मुझे, वैसे इक्विटी तो फाइनेंसिंग का पार्ट है और मशीनरी इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन इस सिचुएशन में हुआ क्या, ना तो, और
इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग चलता किस पे, इनफ्लो और आउटफ्लो पे। तो यहाँ पे फाइनेंसिंग में इनफ्लो भी नहीं हुआ इक्विटी के जरिए, और इन्वेस्टिंग में क्या नहीं हुआ, आउटफ्लो। अकाउंट बनाते टाइम पे इनको कंसीडर तो करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, लेकिन इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। जैसे एग्जांपल देखिए, इसका नो ट्रीटमेंट, इसका नोट देना होगा, नो ट्रीटमेंट। इसके लिए आपको नीचे नोट दोगे, क्योंकि ये अदर देन कैश में, इसलिए हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं किया। बाकी आप करोगे इन्वेस्टिंग में से माइनस और फाइनेंसिंग में ऐड, फायदा कुछ नहीं है। कुछ बुक में कर भी रखा है, आप इसको छोड़ देंगे। अब यहां पे जैसे एग्जांपल, परचेज मशीनरी रुपीस 1 लाख बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर रुपीस 1 लाख। अब देखिए हमने क्या करा, 1 लाख रुपए का सपोज करो मैंने एक मशीनरी खरीद लिया, और इसके बदले मैंने इशू कर दिया क्या, 1 लाख रुपए का डिबेंचर। ये तो था एडजस्टमेंट। अब मैं बैलेंस शीट बना देता हूं, यहां एक स्मॉल बैलेंस शीट बना देता हूं। सर बैलेंस शीट में मैंने लिखा डिबेंचर 1 लाख से 3 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 10 और 11, ठीक है। मैंने डिबेंचर लिखा 1 लाख से 3 लाख हो गया। इसका मतलब आपने क्या किया है, फ्रेश इशू किया है। फ्रेश इशू कितने किए हैं, 2 लाख, जिसमें से 1 लाख तो अदर देन कैश वाला ही है, वो इसी में जुड़ा होगा। तो इसका मतलब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप जब डिबेंचर को दिखाओगे, मैं थोड़ा सा अमाउंट चेंज कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लो, आप सभी मुझे कमेंट में भी जवाब देके फ्रेश इशू इस बैलेंस शीट को देख के बताइए कितना है। फ्रेश इशू इस बैलेंस शीट को देख के बताइए क्या है, 2.5 लाख रुपए का है। अब मैंने क्या करा, 2.5 लाख रुपए का जो मेरा फ्रेश इशू है, जिसमें चेक किया आगे एडजस्टमेंट देखा, तो एडजस्टमेंट में मिला यार 1 लाख रुपए का तो फ्रेश इशू जो था वो तो अदर देन कैश का पार्ट था, तो 1 लाख रुपए अदर देन कैश का पार्ट है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिबेंचर तो जाएगा, लेकिन कितना जाएगा, ओनली एंड ओनली 1.5 लाख रुपए। ओनली कितना जाएगा, 1.5 लाख। पहले यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं ब्याज की, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि बताया था मैंने एडजस्टमेंट नंबर किसमें, 4 में शायद, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर। तो जब डिबेंचर की बात आएगी, तो अगर क्वेश्चन कहता है कि आप क्लोजिंग बैलेंस पे निकालिए, तब पूरे 3.5 लाख पे निकालना होगा। डिबेंचर से अदर देन कैश का कोई लेना देना नहीं है, डिबेंचर इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट कैलकुलेशन नॉर्मल मैनर में होगा, चाहे वो डिबेंचर इशू हुआ हो अदर देन कैश के फॉर्म में, चाहे वो इशू हुआ हो आपका किसी और मोड में भी। समझे बात आप? तो कुछ बच्चे बोल सकते हैं ना, सर मैंने इसलिए डिबेंचर लिया, इक्विटी नहीं लिया। कुछ बच्चे बोल सकते हैं, सर डिबेंचर का क्या होगा, क्या डिबेंचर भी हम 1.5 लाख पे ही देंगे, या डिबेंचर क्या हम 1 लाख पे लगाएंगे, उससे इंटरेस्ट, डिबेंचर बोल रहा हूं, इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक, इसमें कोई परेशानी, ठीक है। चलिए, अब मैंने बोला यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग, या मैं मशीनरी 3 लाख, और 3 लाख से हो गया ये मान लेते हैं 6 लाख। 3 लाख से कितने हो गए हमारे, 6 लाख। अब बताइए मशीनरी हमने खरीदा है, यहां हम मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। एक मशीनरी अकाउंट बना लेता हूं मैं यहीं पे, थोड़ा सा आप, मैं इस नोटिंग कैसे करना है मैं अभी बता दूंगा आपको। मशीनरी अकाउंट बना देते हैं, बताइए मशीनरी अकाउंट में 2 क्या आ जाएगा, बीडी, 2 बीडी कितने का आएगा, 3 लाख, और बाय क्या आ जाएगा, 6 लाख। अब हमने खरीदा है, अब यहां पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो फाइनली आप देखोगे कि यहां पे 2 बैंक से आना चाहिए, कितना परचेज आना चाहिए, 3 लाख। लेकिन आपको पता है कि 1 लाख रुपए का तो अदर देन कैश में है, तो 1 लाख की जगह पे लिखेंगे डिबेंचर 1 लाख और 2 बैंक 2 लाख।
तो सर अब जो 1 लाख रुपए लिखा है ना आपका डिबेंचर, इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे? बैंक वाले का। और बैंक क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो ये किस पे है? अदर देन कैश पे। तो ये सारा देखो हमारा एडजस्टमेंट जो सिंपल है ना, डिविडेंड वाला आएगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, और या फिर छोटे छोटे जो इंटरेस्ट वाले आएंगे। लेकिन इनमें से जो अब हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये यूनिक एडजस्टमेंट है। इसमें से कोई एक एडजस्टमेंट जरूर डालेगा, जैसे कि इस बार रेगुलर का पेपर हुआ था तो उसमें ये एडजस्टमेंट डाला था, अदर देन कैश वाला ये एडजस्टमेंट डाला था, आप देखोगे तो। चलिए अब आगे बात करते हैं। बाय लोन एनी एसेट टेकिंग परचेज बाय लोन, यानी फाइनेंस करवा लिया। जैसे आप कार वगैरह, मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह फाइनेंस कराते हो ना, तो वहां पे पैसे नहीं जाते। वहां पे क्या करा? बहुत डाउन पेमेंट जा सकता है और तो कुछ नहीं जा सकता। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एसेट्स खरीद रहे हैं लोन, फिर दोनों कनेक्शन हो गया, एक फाइनेंसिंग से एक किससे, एक फाइनेंसिंग से एक इन्वेस्टिंग से। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें भी हमारा क्या होगा? एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, इतने सारा कर लिया है तो। हमने एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा लोन 5 लाख और 6 लाख, ठीक है। लोन कितना हो गया? 5 लाख और 6 लाख। नीचे लिखा मशीनरी परचेज ₹60,000 बाय टेकिंग लोन। हमने मशीनरी परचेज कर लिया ₹60,000 का बाय टेकिंग लोन। सर अब यहां से देखने से तो ये लग रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख चला जाना चाहिए, ऐड हो जाना चाहिए, है ना? यही तो है कि पैसा आ रहा है तो ऐड। लेकिन इस एडजस्टमेंट ने सारा काम खराब कर दिया। अब देखा जाए तो सर एक्चुअल में 1 लाख रुपए मेरे पॉकेट में आए ही नहीं। यहां से तो देखने के बाद क्या पता चलता है? 5 का क्या हो गया 6, तो 1 लाख रुपए लोन लिया है। लेकिन जैसे ही पता चला कि 60,000 रुपए की तो मशीनरी खरीदा था वो लोन में है, तो 60,000 के लिए तो आप मशीनरी लेके आए और लोन आपका जनरेट हो गया। तो एक्चुअल में लोन के फॉर्मेट में आपके पॉकेट में जो पैसा इनफ्लो हुआ है उसी की तो एंट्री करोगे। तो पैसे के फॉर्मेट में कितना एंट्री हुआ? सिर्फ और सिर्फ 40,000। और एक तरफ देखते हो सर मशीनरी 60 बढ़ गया है, तो मशीनरी 60 बढ़ा है तो उसकी कोई एंट्री नहीं। अगर मान लो मशीनरी बढ़ रहा हो 2 लाख, तो बोलोगे यार 2 लाख बढ़ा है जिसमें से, तो 60,000 रुपए का तो कौन सा है जो कि हमारा है फाइनेंस वाला, इसमें पैसे तो दिए ही नहीं हमने। तो 2 लाख में से 60 घटा दोगे यानी 1,40,000 रुपए का आप क्या करोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एंट्री करोगे। लेकिन अगर सपोज करो ये क्या होता 5 लाख का लोन और यहां होता 560, बताओ क्या एंट्री करेंगे? कहीं कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट? क्या फाइनेंसिंग में 60,000 जाएगा? हाँ या ना में जवाब दो। क्या फाइनेंसिंग में 60,000 जाएगा? जवाब है सर नहीं जाएगा। क्या इन्वेस्टिंग में 60,000 माइनस होगा? बताइए, क्योंकि भाई मशीनरी भी खरीदा है। क्या इन्वेस्टिंग में 60,000 माइनस होगा? बताइए बताइए फटाफट, नहीं। तो यहां पे कोई एंट्री नहीं होगा। लेकिन पता है समस्या कब आ जाता है? जब आपका फाइनेंस कुछ और अमाउंट का, या लोन या डिबेंचर या इक्विटी बढ़ रहा हो ज्यादा और एसेट्स कम का हो, तो आपको वहां पे दिमाग लगा के क्या करना होगा? एडजस्टमेंट। जरूरी नहीं है, मैं तो कहता हूं ये अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहते ना तो ये वाली एडजस्टमेंट डायरेक्टली भी पता कर सकते थे कि जनाब 3 लाख से अगर 6 लाख हो रहा है तो 3 लाख का एसेट्स बाइंग किया, जिसमें से 1 लाख का अदर देन कैश वाला है, तो 2 लाख का ही क्या है परचेज। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन आता तो थोड़ा बात कुछ अलग ही बन जाता फिर तो। समझ में आई बात आपको? चलिए अगर इसमें ऐसे दे रखा हो तो मैं यहां पे दोबारा अगेन कितना कर देता हूं, 6 लाख। इस एडजस्टमेंट का आंसर इसमें क्या करेंगे हम? 60,000 तो अदर देन कैश वाला है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में
ऐड हो जाएगा ओनली 40,000। मैं आंसर लिख रहा हूं सीधा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा कितने, ओनली 40,000। नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं होगा, मेरे वाले एग्जाम्पल से तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए। मेरे वर्डिक को अगर आपने ध्यान से सुना होगा, कुछ बच्चों को मे भी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आप बैक करिए वीडियो को और मेरी वॉइस को मेरी मतलब के ध्यान से सुनिए मैंने क्या क्या वर्डिक बोला है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बोला हुआ है। तो चलिए एक बार फटाफट से इसको नोट करिए फिर आगे देखेंगे। कौन सा डाल दे इसको, एडजस्टमेंट नंबर 10, एडजस्टमेंट नंबर 10 बोनस इशू। सर बोनस इशू क्या होता है, बोनस इशू में होता है कि जैसे ये होता है फ्री का शेयर, आप सभी ने तो चैप्टर भी किया है अगर बोनस इशू का तो आपको पता ही होगा। जैसे मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड ने पहले से इशू कर रखा है 10,000, इशू कर रखा है 10,000 शेयर, और सर 10,000 शेयर जो इशू किया है मान लेते हैं इस व्यक्ति को किया है, राम को कर रखा है 10,000 इशू। तो जब इसने 10,000 शेयर इशू किया होगा तो बट ऑब्वियस है राम से पैसे भी लिए होंगे 10,000 रुपये, मैं रुपीज लगा देता हूँ या नंबर ठीक रहेगा कैलकुलेशन के मामले में, यानी 10 रुपये का एक है तो 1,00,000 रुपये लिया होगा। तो जब ये वाला इशू हुआ होगा तो फाइनेंसिंग का पार्ट है नो डाउट, और आपने किया भी है फाइनेंसिंग का पार्ट, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने कुछ दिनों बाद डिसाइड किया कि अब मैं इसे बोनस दे देता हूँ, और बोनस का रेशो मैंने कर दिया 1:1, तो 1:1 का मतलब होता है इस वाले एक के बदले एक। अगर मैं करता हूं आपका 1:2 तो मतलब दो के बदले एक, तो 1:2 में मैं फ्रेश और भी इशू करूंगा, राम को और भी दूंगा। अगर मैंने बोनस 1:2 बोला तो मैं बोलूंगा जी 10,000 शेयर थे और दो के बदले एक मिलेंगे इंटू में एक, यानी 2 डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही करते हो ना आप 1/2 इसको इसको सॉल्व करते हो 1/2 होता है, तो इसका मतलब 5,000 बोनस इशू कर देंगे। तो सर जब बोनस इशू हम 5,000 कर देंगे तो अगेन हमें हमारा शेयर कैपिटल बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि शेयर कैपिटल का क्या होगा आपके बैलेंस शीट में इंपैक्ट, आप देखिए शेयर कैपिटल का क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। और यहां पे देखिएगा आप, तो पहले होता था 2010 में 10,000 यानी 1,00,000 रुपए, और आप देखेंगे 2011 में तो मे बी पॉसिबल है ये आपको 1.5 लाख या उससे ज्यादा मिले। तो यहां देख के तो आप बोलोगे सर 50,000 रुपए का क्या हो गया, फ्रेश इशू, गलत नहीं है, हो गया है, लेकिन बाय वे ऑफ किसके हुआ, बोनस। तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि फ्लो ही नहीं हुआ, अमाउंट ही नहीं आया गया, समझ रहे हो बात। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ बोनस इशू का तो नो ट्रीटमेंट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, समझे बात आप, समझ में आई बात आपको। कैश फ्लो में कोई एडजस्टमेंट देगा एग्जामिनर और बहुत उलझाएगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन 10% डिविडेंड एंड ऑल्सो बोनस इशू टू 1:2 के रेशो में। अब बच्चा देख के बोलेगा भाई डिविडेंड भी आ गया बोनस भी आ गया, बड़ा लेंदी हो गया। तो उस सिचुएशन में होगा क्या जनरली, भाई ना तो डिविडेंड का कोई एडजस्टमेंट लगेगा ना ही इशू का। लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर बोलता है डिविडेंड पेड 5,00,000 रुपए, तब ऑपरेटिंग में एड और फाइनेंसिंग में, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड हमेशा पेड होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो वो तो डिविडेंड की बात थी, तो यहां तक समझ में आया। सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार लिखूंगा उससे बेटर है कि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं यहां कर दूं मैं 1:70, अब बताओ क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में या कोई ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल सर अब होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट। कैसे, 70,000 के फ्रेश इशू है, कितने के 70,000 के, अब 70,000 के फ्रेश इशू है तो सोचो 50,000 का इंटू में 10 करेंगे ना फेस वैल्यू से, 50,000 का क्या है, बोनस है भाई। अगर 50,000 का बोनस है और 70,000 रुपए के फ्रेश इशू है तो इसका मतलब 20,000 ही ऐसे हैं जिसके बदले पैसे मिला हो, 20,000 ही ऐसे हैं जिसके बदले पैसे मिला हो। तो यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ओनली कितने जाएंगे, 20,000। अब देखो बच्चे पता है क्या बोलेंगे, पेपर बहुत टफ आया था, देखो कैसे, मैं इसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करता हूं। बोनस इशू 1:2
गिवन टू शेयर होल्डर एंड मशीनरी परचेज ₹10,000 बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल. अब देखिए एडजस्टमेंट थोड़ा लंबा हो गया. एंड बीओडी रिकमेंडेशन 10% डिविडेंड ये पूरा दे दिया उसने. तो भाई लग रहा है कि भाई एडजस्टमेंट पता नहीं क्या, सर बोनस इशू भी दे दिया है, डिविडेंड भी उसी में डाल दिया उसने, और फिर मशीनरी भी खरीदा है, क्या करें. सिंपल दिमाग लगाइए, आप सोचिए भाई रिकमेंडेशन दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किसका, इसका कोई काम नहीं, मिटा दो, हटा दो, किसी काम का नहीं. अब भाई 1:2 के बोनस दिया है तो 50,000, इसी एग्जाम्पल को कनेक्ट करिएगा. उसने बोला कि 10,000 का फ्रेश इशू है, इसका मतलब 50 का तो बोनस दिया और 10 का इक्विटी कौन सा इशू हुआ है, मशीनरी. तो 60,000 वाला तो ऐसा है जिसमें तो पैसे का कोई इनफ्लो और आउटफ्लो है ही नहीं. और डिफरेंस कितने का आ रहा है यहां, तो एंट्री फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या जाएगा, ओनली एंड ओनली जाएगा ₹10,000 और कहीं नहीं जाएगा कुछ भी. आपका भी, आप भी सोचोगे सर ऑपरेटिंग में भी नहीं जाएगा, इन्वेस्टिंग में भी नहीं जाएगा कहीं भी एंट्री. समझे बात, क्लियर है. 10,000 कैसे आया, इक्विटी शेयर में डिफरेंस कितना है 70, हिसाब लगाओ. बोनस इशू कितने के किए 50, इसकी कोई एंट्री नहीं तो 70 में से 50 गया तो बचे 20. 10,000 के मैंने मशीनरी इशू कर दिया, वो भी अदर देन कैश का पार्ट है. तो 60,000 के तो जो इशू हैं वो तो भाई बिना पैसे वाले हैं, और बाकी 10,000 ही जो हमें दिख रहा है वो पैसे वाला है, तो सिर्फ एंट्री किसका कर देंगे हम 10,000. समझे, चलिए अब आगे देखते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 10 था बोनस इशू, एडजस्टमेंट नंबर 11 कैपिटल रिजर्व. सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व कब बनता है, आपको अच्छे से याद होगा कैपिटल रिजर्व बनता है हमारा कब, याद करो शेयर फॉर फ्यूचर होने के बाद बनाते थे कैपिटल रिजर्व. और कैपिटल रिजर्व कब बनता है, यहां मुद्दे की बात है, कैपिटल रिजर्व तब भी बनता है जब भी कोई भी एनी फिक्स्ड एसेट्स सोल्ड एट प्रॉफिट. अगर कोई भी फिक्स एसेट्स बेचा जाए प्रॉफिट पे तब भी कैपिटल रिजर्व बनता है. आपको समझना होगा इस बात को. सर जैसे मैंने एग्जांपल, मैंने क्या करा, लैंड ₹1,00,000 सोल्ड एट प्रॉफिट 10,000 एंड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. और अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व. जनरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का ट्रीटमेंट होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, जनरली है ना. जनरली सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस, याद है आपको, ठीक है. लेकिन क्योंकि इसने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व के अंदर, तो सो दैट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रीटमेंट ही नहीं बचा कुछ. ध्यान दीजिए, मैंने एक आपके सामने बैलेंस शीट दिया, बैलेंस शीट में आपको स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस है. मान लेते हैं यहां पे 1,00,000 से 2,00,000 हो रहा है, और कैपिटल रिजर्व से भी बैलेंस है, पहले जीरो था अब हो रहा है 10,000, ठीक है. आप मुझे बताइए कि जो ये कैपिटल रिजर्व, आप मुझे बताइए कि ये जो 10,000 का फायदा है क्या हमने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डाला होगा. अगर बोलते हो सर ₹10,000 अगर आपने स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में डाला है तो फिर कैपिटल रिजर्व में नहीं डाला होगा. क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि कहां जा रहा है ये, कैपिटल रिजर्व. इसमें इट मींस इसमें तो है नहीं. इसका मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड है ही नहीं. प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, और कैपिटल रिजर्व जो है ये अलग से मेंशन किया हुआ है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सिचुएशन में भी कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, पी एंड एल के प्रॉफिट में जो चीजें गलत सलत है उसको मतलब एडजस्टमेंट करके फिर कैश वाला प्रॉफिट बनाते हैं, है ना। और सर कैश वाले प्रॉफिट में पी एंड एल में तो ये माइनस प्लस हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स उसमें कैश जब भी आता है वो पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का, इसलिए इन्वेस्टिंग में चला जाता है वो। जैसे हम इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे, 110,000 रुपए ऐड कर देंगे, क्या प्रॉफिट नहीं चला गया इन्वेस्टिंग में? चला गया ना। और हम क्या करते हैं, 10,000 रुपए अपने पी एंड एल में भी ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पी एंड एल बढ़ जाता है। तो डबल हो गया ना एंट्री, दिमाग लगाओ, डबल एंट्री हो गया। 110 दिखा रहे हो इन्वेस्टिंग में, प्रॉफिट चला गया, और अगर आप पी एंड एल में दिखा देते हो 10,000 क्रेडिट, तो दो जगह हो गई ना 10,000 की एंट्री। तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम इसको हटा देते हैं, ऐड कर देते हैं, किसमें, क्योंकि पी एंड एल में एक्स्ट्रा हो गया है तो पी एंड एल में हम ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां तो पी एंड एल में गया ही नहीं, कहां गया स्पेशली, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में इसका नो ट्रीटमेंट। तो मैं वो चीजें यहां पे आज ज्यादा से ज्यादा देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, वो एंट्री कर रहा हूं, एडजस्टमेंट तो बनता है लेकिन उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में ट्रीटमेंट है ही नहीं। लेकिन बच्चा एडजस्टमेंट देख के क्या होता है, थोड़ा टेंस्ड हो जाता है, ठीक है। प्रॉफिट, अब कुछ बातें और भी, बस इससे ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आता, वैसे कुछ बातें और भी बता दूं। प्रॉफिट को हम रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं, शायद मैंने आपको पहले बताया होगा, फॉर्मेट लिखवाते टाइम पे रिटेन अर्निंग भी बोला जाएगा और सरप्लस भी बोला जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट भी ना गिवन हो, रिटेन अर्निंग भी ना गिवन हो, सरप्लस, तो जनरल रिजर्व को ही प्रॉफिट मान के आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। समझे बात आप, कोई दिक्कत? तो फटाफट से नोट करिए, ये एडजस्टमेंट नंबर था 10 और एडजस्टमेंट नंबर 11 कौन सा, ये 10 का है, 11 का, हाँ ये वाला इसी का है।